देखिए पहाड़ों को काट के कैसे गुफाएं बनाई गई है। वहाँ भी गुफा है, आगे इधर भी गुफा है और उधर भी गुफा है, सब पहाड़ों में गुफा ही है। ऐसे हर जगह पे गुफा नंबर लिखा हुआ है, ये गुफा नंबर 11 है। ये देखिए ऐसे बहुत से पहाड़ों को काट के अंदर गुफा बनाई गई है। गुफा नंबर 10 देखिए पहाड़ों को काट के, गुफा नंबर 10 ऊपर कमरे बनाए गए हैं। गुफा को काट अंदर बहुत सारे कमरे हैं। ये गुफा नंबर 8 अंदर देखिए कैसे बनाए गए काट के पहाड़ों को गुफा अंदर। और कैसी कलाकारी करी गई है अंदर। बुद्ध जी की मूर्ति है, ये देखिए बुद्ध जी की बड़ी मूर्ति बनाई गई है अंदर। ऐसे एंट्रेंस है, ये छत है, पहाड़ों को काट के बनाई गई छत है। यहाँ अंदर बुद्ध जी की मूर्ति है, पहाड़ों को काट के कैसी कैसी मूर्ति बनाई गई है आप लोग देख सकते हैं। गुफा नंबर 8 देखिए आइए इधर आइए, पहाड़ों को काट के अब हम गुफा नंबर 8 गुफा नंबर 9 बंद है। ये गुफा नंबर 7 ये गुफा नंबर 7 है और जो कि ये बंद है, ताला लगा हुआ है इसमें। और ये गुफा नंबर 6 है जो यहाँ से सीढ़ी से ऊपर जाएंगे और वहाँ पर जाएंगे जहाँ आदमी खड़े हैं, से अंदर से सीढ़ियों से पहाड़ में से अंदर जाएंगे। ये देखिए गुफा पहाड़ों के बीच, ये गुफा नंबर 6 और नीचे बहुत ही डीप है, नीचे बहुत खाई है। ये देखिए और यहाँ गुफा नंबर 6 गुफा नंबर 6 से अभी चढ़ के मैं ऊपर जा रहा हूँ, इस सीढ़ी को चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं। ये अभी नीचे से आया और अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। गुफा नंबर 6 देखिए सब, ये सारे गुफा बने हुए हैं। ये भी गुफा है, ये भी है, ये भी है, अंदर जाने के लिए रूम है। और ये बड़ा सा पिलर बना है बड़ा सा, देखिए कैसे पहाड़ों को काट के इस तरह से बनाया गया है। बहुत ही बेजोड़ कलाकारी की गई है। ये देखिए
ये देखिए बड़ा सा हॉल है यहाँ पर, बिल्कुल जो पहाड़ों को काट के इधर सीढ़ी अंदर गई है। अंदर चलते हैं, यहाँ आ गए, ऊपर आ गए अभी, जहाँ गेट से दिखाया था वहाँ से घुसा ऊपर आया। ऊपर क्या कलाकारी है देखिए आप लोग, जगह जगह पहाड़ों में काट के बनाया गया है। ये रूम है अंदर, अगर अंदर रूम में घुसेंगे तो अंदर भी तमाम गुफाएं हैं। ये गुफाएं हैं, नीचे हॉल है। ये देखिए पहाड़ों को काट के किस तरह से मूर्तियां बनाई गई हैं, अद्भुत कलाकारी है, अद्भुत। ये देखिए आप लोग पहाड़ों को काट काट के जगह जगह, अभी अंदर एक रूम है बंद है। सामने का देखिए नज़ारा, सब गुफा नंबर 9 है। ये गुफा नंबर 9, ये पहाड़ों को देखिए कैसे काट के बनाया गया है। अब हम उस तरफ चल रहे हैं सामने वाले गुफा में, गुफा नंबर 5 पढ़िए। इस गुफा की सबसे बड़ा हॉल है, सबसे बड़ा हॉल ये है इस गुफा का। एजेंटा एलोरा, एलोरा की सबसे बड़ी गुफा ये है, हॉल है, बहुत ही बड़ा है। देख रहे हैं सबसे बड़ा हॉल है ये इस गुफा का, एजेंटा एलोरा का सबसे बड़ा हॉल है ये गुफा का। और अंदर भी इस हॉल में भी देखिए किस तरह से कटिंग करी है ये पहाड़ी की, और अंदर अंदर ये सब कमरे बने हुए हैं हॉल में। ये सब देखिए कैसी मूर्तियों, ये भी अंदर भगवान बुद्ध की है मूर्ति है, देखिए भगवान बुद्ध का मूर्ति बनाया गया काट के अंदर। देखिए ये मूर्ति, ये मूर्ति देखिए, अभी अंदर तो और बहुत अंधेरा हो रहा है। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, बहुत ही बड़ा, ये सबसे बड़ा हॉल है ये देखिए इस गुफा का, सबसे बड़ा एजेंटा एलोरा का, एलोरे का सबसे बड़ा ये हॉल है गुफा। यहाँ पे बुद्ध जी की मूर्ति है, देखिए इस हाल में ये जगह जगह अंदर भी बनाई गई है गुफा, लोग इसके अंदर रहते थे, इतना बड़ा हॉल है ये देखिए आप लोग, बहुत ही बड़ा हॉल है। और जगह जगह इसमें ये देखिए बनाई गई है, अंधेरा है इधर। ये गुफा है अंदर हॉल में ही, ये भी कुछ बनाया गया है, यहाँ भी कोई मूर्ति है, साफ दिख नहीं रहा है। यहाँ भी अंदर एक मूर्ति रखी हुई है, साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है अंधेरा होने के कारण।
बहुत ही सुंदर कलाकारी, पत्थरों की डिजाइन कैसे काटी गई है देखिए आप लोग, वाह। 4 नंबर गुफा है, अभी हम वहाँ से आए, वहाँ से ऊपर से ऐसा इधर नीचे आए 4 नंबर गुफा पे। ये देखिए पहाड़ों को कैसे काटा गया है और किस तरह से गुफा बनाई गई है, बेजोड़ कलाकारी, बहुत ही सुंदर कलाकारी है। 3 नंबर गुफा, ये 3 नंबर है, ये अंदर देखिए 3 नंबर की गुफा है, ये भी एक बहुत बड़ा हॉल है और हॉल के, ये बहुत बड़ा हॉल है, इधर ये हॉल है बहुत बड़ा, ये पिलर बने हुए हैं और अंदर अंदर सब ये है। इसमें एक मूर्ति है इस गुफा में, ये भी बुद्ध भगवान की ही दिख रही है। ऐसे बहुत से मूर्तियां बनी हुई हैं पहाड़ों पे काट काट के, और गुफाएं हैं अंदर, चारों तरफ गुफाएं हैं हॉल के, बड़ा सा हॉल है और इसमें एक एक कमरे जैसा देखिए अंदर बना हुआ है, ये भी कमरा जैसा बना हुआ है। देखिए पहाड़ों को काट काट के किस तरह से गुफाएं बनाई गई है, दूसरी है यहाँ पे लोग, देखिए अंदर गुफाएं, हम पहाड़ों को काट काट के, ये भी गुफा है, ये भी गुफा है, अंदर सब यहाँ बैठ के पूजा पाठ साधना करते थे लोग। ये हॉल है बड़ा सा और चारों तरफ में बनाई गई है इसके, ये हॉल है, चारों तरफ इसके कमरे बने हुए हैं पत्थरों को काट के, सुरंग सब बनाई गई है। गुफा नंबर 3 है ये, गुफा नंबर दो देखिए, पहाड़ों से कटते हुए अभी हम जाएंगे गुफा नंबर 1, उधर है पहला, गुफा नंबर 2 में जाते हैं अंदर। देखिए कलाकारी की हुई है, पहाड़ों को काट के यहाँ एक मूर्ति बनाई गई है अंदर, शायद ये किसकी मूर्ति दिख रही है, सामने का है एंट्रेंस। अब हम जा रहे हैं अंदर गुफा में, वाह, गुफा नंबर 2, वाह क्या कलाकारी है, देखिए इस पत्थरों पे किस तरह से कलाकारी की गई है, ये किसी की मूर्ति बनी है, पत्थरों में सब मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। ये भी एक बड़ा हॉल है, ये भी कोई साधना करने का एक बड़ा हॉल है, जो कि बहुत ही खूबसूरत पिलर बनाया गया है और बहुत ही अच्छी डिजाइन पिलर के ऊपर, वाह कितना खूबसूरत है ये हॉल। 2 नंबर गुफा है, इसमें भी सब जगह जगह पत्थरों को काट के मूर्तियां बनाई गई है गौतम बुद्ध की, अलग अलग मुद्रा में मूर्तियां हैं। और ये अंदर जाने का एक, इधर से जाएंगे ऊपर, एक कमरा है ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं क्या है। ये भी एक साधना करने का, देखिए कैसे बनाए थे लोगों ने पहले,
जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे आवाज़ लगाएंगे तो बहुत तेज से आवाज़ गूंजती है, क्योंकि उस टाइम माइक नहीं था। तो ये ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पे पूरी आवाज़ गूंजती है। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, जय महादेव, जय जय शिव शंभो कैलाशपति, जय हो गौतम बुद्ध, भगवान की जय। देखिए बहुत ही बेजोड़ कलाकारी है। अब हम चल रहे हैं, ये 2 नंबर है। अब हम जा रहे हैं 1 नंबर। ये गुफा नंबर 1 है, लास्ट और फर्स्ट। पहला गुफा ये देखिए, दूसरे नंबर गुफा के बाजू में पहला गुफा। पहाड़ों को काट के कैसा बनाया गया है, पहाड़ देखिए। ऊपर नीचे आ रहा हूँ, देखिए ये पूरे पहाड़ को गुफा में तब्दील है, ये पूरी पहाड़ी। अब अंदर जा रहे हैं हम गुफा में, देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक पहले के लोग पानी के लिए क्या सुविधा बना के रखा है। ये पानी पीने के लिए लोग पहले जमा करके ऐसे बनाए हैं पानी रखने के लिए। अभी हम अंदर जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा हॉल है। देखिए ऊपर छत, इतनी बड़ी हॉल है ये। 3 खंभे पे है, 3 खंभे काट दिए गए पत्थरों में। और ये सब है गुफा अंदर, देखिए कैसी कलाकारी है गुफा का। एक गुफा का दरवाज़ा खुला है, अंदर दिखा देता हूँ। अंदर का देखिए, ये रूम है अंदर। ऐसे ऐसे गुफा काट के बने हुए अंदर। ये देखिए पूरा हॉल है, बहुत ही बड़ा हॉल है। और चारों तरफ इस हॉल में ऐसे कमरे बने हुए हैं गुफाओं। धन्यवाद मित्रों।